हम ये करते हैं कि सबसे पहले स्कैनर बना के हमें चाहिए क्या, इस तरह ये कोड है हमारा, एंटर यूजर नेम जो कि स्ट्रिंग यूजर में रखते हैं, देन एंटर पासवर्ड जो कि स्ट्रिंग पासवर्ड, ठीक है। इफ यूजर डॉट इक्वल्स इग्नोर केस इंजेक्शन एंड पास डॉट इक्वल्स ABC123 हैश डॉट, तो ये प्रिंट कर दे वेलकम, एल्स इनवैलिड यूजर, ठीक है। ऐसे ही था, अब अगर इसको कंपाइल करते हैं, पहले यूजर नेम मांगेगा फिर पासवर्ड मांगेगा इनवैलिड। अगर हम दे देते हैं इंजेक्शन और ABC123 हैश डॉट तो वेलकम। अब हम चाह रहे हैं कि इस पे ऐसा हो कि अगर ये सही है तो रुक जाए वरना वापस चलता है, तो इस पूरे को उठा के हम रखेंगे वाइल एक लूप बना के। इसके अंदर कंडीशन पहले, तो पहला तरीका तो ये इसमें ऐसी दे दूंगा जो हमेशा ही ट्रू, हमेशा ट्रू कौन सी कंडीशन हो सकती है, बहुत सारी हो सकती है। अगर मैं कर दूं 1 = 1 या हमेशा ट्रू रहेगी, फॉल्स नहीं होगी, कर दूं ताकि इन्फिनेटली चलता ही जाए, ठीक है। अब अगर सिर्फ वाइल में रख के मैं इसको देखता हूं, देखिए क्या होगा कि जैक्सन कोई भी पासवर्ड गलत दिया इनवैलिड, फिर से पासवर्ड मांगा, कोई भी दिया मैंने फिर से पासवर्ड सही दिया मैंने 1 2 3 है शॉर्ट, फिर भी मांग रहा है, चल बार बार रहा है, सही पे भी नहीं रुक रहा अभी। हमें क्या करना है, जहां सही हो जाए वहां पे जस्ट ब्रेक लिख देना, वेलकम प्रिंट करेगा और ब्रेक हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो ये अब अगर गलत देंगे, अगर सही देता हूं मैं, हाँ दोनों चीजें अभी हमने ऐसी रखी हैं कि दोनों चीजें सही होनी चाहिए, जैसे मैंने इंजेक्शन सही दिया है और ये तब भी इनवैलिड, क्योंकि दोनों का कॉम्बिनेशन होता है ना। अभी हमने क्या करा है, दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन एक साथ चेक किया, इसको तोड़ते हैं दो चीजों में भी करते हैं। लूप का एक तरीका तो ये है हमारे पास, हाँ ये अभी क्यों हमें बार बार हमें पता नहीं कितनी डाफा चल रहा है, तो एक तो हम ये कर सकते हैं मैन्युअली ब्रेक यहाँ पे कर रहे हैं, कुछ भी लिखते हैं कुछ भी लिखते हैं ये चलता ही रहेगा, क्योंकि ट्रू कंडीशन होती तब चलता है ना, 1 = 1 हमेशा ही 1 के बराबर रहेगा। एल्स के बाद, एल्स के बाद तो वापस चलाना है, ब्रेक वेलकम के बाद करना है ना, इसलिए। अब अगर ये कंडीशन ट्रू होती है वेलकम प्रिंट करे और ब्रेक, एक कंडीशन तो ये हो सकती है, बिल्कुल सिंपल तरीका, ठीक है, कोई कंडीशन नहीं, नीचे ब्रेक कर रहे मैनुअली। जो प्रोफेशनल तरीका है वो थोड़ा दूसरा है, उसमें फिर इस प्रोग्राम को थोड़ा चेंज करना पड़ता है। उसमें हम कैसे करेंगे कि देखें, स्ट्रिंग सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एंटर यूजर नेम, स्ट्रिंग पासवर्ड अब वाइल के अंदर, पहले मैं कंडीशन देता था इफ के अंदर, अब मैं वाइल में दे देता हूं
user dot equals Jackson and user dot password dot equals abc123 hash dot. While में नहीं रखता बिल्कुल. हाँ अब इसमें क्या होगा देखें, हमें चाहिए कि ये कंडीशन ट्रू हो तो हमारा काम हो ना, वरना वापस चलेगा. तो ये कंडीशन ट्रू होने पे ये लूप चलेगा, लेकिन कंडीशन ट्रू होने पे तो वेलकम प्रिंट होगा. कंडीशन फॉल्स होने पे क्या होगा, कुछ नहीं होगा अभी. तो हम इसको इस तरह नहीं लिखेंगे, हम इसके आगे लगाएंगे नॉट का साइन कि अगर यूजर बराबर नहीं है जेस्चर के और साथ साथ पासवर्ड बराबर नहीं है, दोनों गलत है, तो ये वाइल का लूप चलाए. और इसमें क्या हो वाइल के लूप में, यही काम वापस हो जाए कि ये इस तरह से कोड ये रन करे. इसमें डिक्लेरेशन वापस करने की जरूरत नहीं है, इस तरह से. अब इसमें क्या होगा, अगर ये दोनों गलत होंगे या इनमें से कोई एक भी गलत होगा तो ये लूप चलेगा. ये लूप क्या कर रहा है, वापस मांग रहा है. इससे पहले एक प्रिंट भी करा था साथ साथ, रॉन्ग क्रेडेंशियल्स प्लीज ट्राई अगेन. इसमें क्या होगा, आप पासवर्ड देंगे, यूजर नेम देंगे, रॉन्ग. सही अगर आपने दिया यहाँ पे प्रोग्राम भी बंद हो गया, कुछ प्रिंट नहीं हो. अब जो प्रिंटिंग करानी है आपको वो करानी पड़ेगी यहाँ पे नीचे कि अगर ये वाइल पे से बाहर आ जाता है, वाइल से बाहर कब आएगा, जब इस कंडीशन को पास कर लेगा दोनों, वरना ये वाइल वेट करेगा. तो एक तरीका ये हो सकता है इसका, रॉन्ग सही दे दिया अगर. एक ये वाइल है, एक वो वाला वाइल है, दोनों में जो इजी लगे. सही है, वो ज्यादा इजी है, ये थोड़ा लॉजिकल है, ये प्रोफेशनल तरीका है, वो हमने निकाला था तरीका है. काम दो, काम होना चाहिए, प्रोग्राम मांगता है, काम कर सकते हैं बिल्कुल, मैं भी वही करता हूँ. सही, इसी को उसी वाइल में लेके जाते हैं वापस जिसमें पहले थे कि अगर यूजर इग्नोर केस जेक्स्टन और पासवर्ड डॉट इक्वल्स एबीसी 123 वेलकम. यहाँ पे वन इक्वल इक्वल वन लिखा है मैंने, इसकी जगह मैं ट्रू भी लिख सकता हूँ डायरेक्ट, क्यों वन इक्वल इक्वल वन ब्रैकेट में टू ही रिटर्न करता है. ट्रू लिखूंगा तब भी ये होगा इन्फिनिट, ये हमेशा ट्रू रहेगा. ब्रेक हम नीचे कर लेते हैं अपनी कंडीशन में, ये पहले तरीका किया था हमने वो वाला सही देते हैं. ठीक है, अब ये वाइल में क्या हो रहा है, जितने भी आप देते जाएं चलते ही जाना है, चलता ही जाएगा, जितने गलत सेम लूप चलता ही रहेगा जब तक गलत है. ये वाइल में करना है, लेकिन अगर हमें इसको फिक्स करना होगा तीन ट्राई कर सके, बस तीन के बाद नहीं कर सके, फिर इसमें फॉर लूप लगा दें. जस्ट यहां पे आपको चेंज ही करना है, फॉर I less than 3, I plus plus plus. कि तीन दफा ही लूप चले. ठीक है, और यहाँ पे हमने गलत दिया,
पिछली दफा गलत दिया, इस दफा गलत दिया, ठीक। तो फॉर में लिमिट लगा सकते आप तीन दफा दे सकते हैं, पासवर्ड अगर गलत दे दिया तो अगेन पासवर्ड होंगे। देखें पहले तो उसको सिंपल तरीके से करके देखते हैं, फिर लूप में लगा। इस कोड में क्या हो रहा है, मैं इफ की कंडीशन में चेक कर रहा हूँ यूजर पासवर्ड दोनों बराबर होने चाहिए, है ना। यहाँ पे नहीं, इस कंडीशन को तोड़ के चेक करेंगे ना, यूजर डॉट इक्वल्स जैक्सन, अगर नहीं है यूजर बराबर तो ये कहते हैं रॉन्ग यूजर, और अगर सही है तब ये पासवर्ड चेक करें। अब अगर पासवर्ड भी ठीक है यूजर भी ठीक है तो वेलकम, एल्स रॉन्ग पासवर्ड। अब दोनों के अलग अलग मैसेज आ गए, पहले एक ही जगह इफ में लिख दिया था, अब तोड़ के नेस्टेड इफ में लिखा है। अब देखें अगर यूजर ठीक है तो ये पासवर्ड चेक करेगा, अगर यूजर गलत है तो डायरेक्ट देगा यूजर गलत, और पासवर्ड गलत है तो एरर देगा। अब इसमें देखें ये यूजर मैंने गलत दिया, पासवर्ड सही दे रहा था, रॉन्ग यूजर। अगर मैंने यूजर सही दिया और पासवर्ड गलत दिया, रॉन्ग पासवर्ड, पहले यूजर चेक करेगा दोनों चीजें गलत है तो बोले रॉन्ग यूजर। हाँ अभी लूप में नहीं रखा है हमने, अब इसमें क्या हो रहा है कि दो इफ लगाया था, नेस्टेड में होगा कि एक चेक करने के बाद करें। अगर मैं इस कोड को भी नीचे रखूं तो ये क्या होगा, पासवर्ड अब तब मांगेगा जब यूजर सही होगा तब, और ना पासवर्ड मांगेगा ही। ठीक है मैंने यूजर नेम दिया जैक्सन, पासवर्ड से मांगा सही चल रहा, पासवर्ड यूजर नेम गलत दिया मैंने, यूजर जब तक सही नहीं दूंगा तब तक पासवर्ड नहीं मांगी जाएगी। अब यूजर सही दिया अब पासवर्ड मांग रहा है, हाँ पासवर्ड गलत है, रॉन्ग पासवर्ड। सर ये यूजर रॉन्ग करने का तो रुक रहा है, रुक रहा है, इसको लूप में रख देंगे। अभी हम लूप में लूप नहीं लगाए, इस पूरे कोड को हम लूप में रख देंगे। व्हाइल इन्फिनिट लूप में रख देते हैं, ये तो हो गया यहाँ तक। अगर ये ठीक हो जाता है वेलकम, तब ये ब्रेक करें, ठीक है। लेकिन अभी देखते हैं अब क्या आ रहा है इसमें। देखिए मैंने पासवर्ड दिया सही ब्रेक हो गया, रॉन्ग पासवर्ड दिया सही दिया, रॉन्ग पासवर्ड। हाँ वो सब सकता है इसमें, लॉजिक आप आगे पीछे वर्ड है, वर्ड वही ही कोड आपने किया है, इसी तरह ऊपर नीचे लाइंस करके इस तरह हो जाएगा उस तरह हो जाएगा, यही काम लॉजिक में हमारा, सही है। अब इसकी पहले प्रैक्टिस कीजिएगा ये बने, फिर इसमें स्ट्रिंग जो है हमारे पास, स्ट्रिंग के फंक्शंस हमने कल पढ़े थे, लेंथ इक्वल्स और इक्वल इग्नोर केस, तीन पढ़े थे, लिटरल और ऑब्जेक्ट था, सही है वो डिफरेंस हो गया। अब जो मेथड है ना स्ट्रिंग के, तो मेथड्स में एक मेथड है इसका बड़ा इंपॉर्टेंट मेथड है कि देखें स्ट्रिंग जो है, इसी में स्लाइड पड़ी हूँ इसमें देखता हूँ,
कर चल स्लाइड में दिखा देता हूँ। देखिए इस तरह से हम, मैंने कल बताया था आपको, मेमोरी में इस तरह स्टोर करता ही है ना। अगर स्ट्रिंग है हमारे पास ये वाला, ये अगर स्ट्रिंग है हेलो जाओ, सही, ये स्टोर कैसे कर रहा है, जीरो पे, वन पे, टू पे, स्पेस जो है वो सिक्स पे, इस तरह बताया था मैंने। अब देखें इसमें क्या है कि अगर इसका एक मेथड है, पहले मेथड आपको बताता हूँ क्या है। मेथड इसका है आपके पास s डॉट इंडेक्स ऑफ। इंडेक्स ऑफ का मेथड आपके पास क्या करता है कि जो भी इसको कैरेक्टर देंगे ना, मिसाल के तौर पे मैंने इसको कैरेक्टर दिया यहाँ पे इस वाले में जे, तो ये मुझे बता देगा जे किस इंडेक्स पे, सेवन। अगर इसको मैंने यहाँ पे कैरेक्टर दिया कोई भी के, इसमें मैंने दिया इसको ई, तो बता देगा वन पे। ओ दिया तो ओ किस पे, फोर पे। लेकिन इसमें होता क्या है कि अगर इसमें मैंने कैरेक्टर दिया इसको एल, अब एल दो जगह आ रहा है, टू पे और थ्री पे, तो ये हमेशा बताएगा शुरू से इंडेक्स पे, जो पहले मिलेगा सिर्फ उसको, तो ये बताएगा टू का, थ्री का नहीं बताएगा, ठीक है। तो हम शुरू में जो लेफ्ट टू राइट में जो आता है ना, उसका इंडेक्स पता कर सकते। जैसे यहां पर हमारे पास स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग एस इक्वल टू पाकिस्तान। अब मैं इसको प्रिंट करवा रहा हूं एस डॉट इंडेक्स ऑफ के, के का इंडेक्स बता दो, तो के होगा जीरो वन टू, सही है। तो यहां पे ये टू, अगर इसमें एस का इंडेक्स है तो ये एस का इंडेक्स बता देगा जो भी नंबर है, फोर। हाँ जीरो से स्टार्ट होगा, जीरो वन टू थ्री फोर, सही है। अगर पी का इंडेक्स है तो पी का जीरो है। लेंथ क्या करता है, मैं टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर बताता है कितने है। अगर मैं एस्ट्रोट लेंथ लिखूंगा तो मुझे बताएगा इसमें आठ कैरेक्टर है। हाँ लेंथ के अंदर ये हम नहीं दे सकते, कैरेक्टर नहीं दे सकते। इंडेक्स ऑफ मेथड ऐसे इसको हम कैरेक्टर देते हैं और बताता है किस नंबर पे मौजूद है वो कैरेक्टर। अब इसके अलावा अगर मैं इसमें देखें ए देता हूँ, ए दो है पाकिस्तान, तो यहाँ पे आ जाता है वन पहले वाले का। अब इन केस में यहाँ देता हूँ जेड, जेड इसमें मौजूद नहीं है, जो कैरेक्टर मौजूद नहीं होगा उसका ही देगा माइनस वन। कोई भी ऐसा कैरेक्टर जिसमें मौजूद नहीं है माइनस वन रिटर्न देगा, ये नंबर देगा हमेशा माइनस वन। हाँ दूसरे वाले का इस मेथड से नहीं, उसके लिए दूसरा मेथड है हमारे पास एक। ये मेथड क्या करता है, लेफ्ट टू राइट चेक करके बताता है। अब इसमें देखें आपके पास अगर ये जो है इनपुट, ये है कैरेक्टर टाइप की डेटा सिंगल कोटेशन में पी से पी ए के, तो इनिशियल लेफ्ट टू राइट से इंग्लिश चलती है, लेफ्ट से स्टार्ट करेगा, अगर ए मिल जाता है टू पे तो दे देगा, उसके बाद ही देखेगा।
सो ये लेता है आपसे कैरेक्टर टाइप का डेटा और रिटर्न करता है नंबर इंटीजर. तो मैंने डेटा दिया है इसमें एच, ये कैरेक्टर है. जावा में कैरेक्टर किसको कहते हैं, इसमें नंबर्स भी होते हैं अल्फाबेट्स भी होते हैं. कैरेक्टर होता है सिर्फ सिंगल कैरेक्टर, चाहे वो नंबर हो चाहे अल्फाबेट हो चाहे स्पेस हो हैश हो डॉट. अगर यहाँ मैं स्पेस देता हूँ तो ये मुझे बता देगा स्पेस का इंडेक्स कौन सा है, स्पेस है ही नहीं उसमें. अगर उसमें स्पेस होता तो पहला स्पेस जो आ रहा है वो 8 पे आ रहा है थिंक. ठीक है, तो ये इंडेक्स ऑफ का मेथड जो है हमें ये फायदा देता है कि इंडेक्स नंबर बताया जाता है. अब इसका बेनिफिट हमारे लिए क्या हो सकता है कि मैं आपको कोई भी टेक्स्ट और आपसे पूछूं उसमें कि क्या उस टेक्स्ट के अंदर जेड आता है या नहीं आता, तो आप बता सकते हैं कैसे. हाँ जेड लिख देंगे, माइनस वन बता देगा सही. अगर माइनस वन है इसका मतलब सही है, नहीं आता है. कोई भी नंबर है माइनस वन के अलावा, चाहे हो सकता है जेड किसी भी नंबर हो ना, कोई भी नंबर इसका मतलब गलत. तो हम इसमें ऐसे कर सकते हैं कि अगर हम यूजर से इनपुट लें के एंटर योर नेम, अब मैं चाहता हूं कि नेम के अंदर यूजर जो है, फिलहाल ये मैं रिस्ट्रिक्शन लगा रहा हूं कि उसके अंदर डॉट नहीं होना चाहिए. तो हम ये कर सकते हैं इफ नेम डॉट इंडेक्स ऑफ डॉट इक्वल इक्वल माइनस वन, अगर माइनस वन के बराबर है तो इसका मतलब करेक्ट. माइनस वन का मतलब क्या, डॉट नहीं है उसमें, सही है ना. एल्स, एल्स में क्या होगा, माइनस वन नहीं है तो जाहिर है डॉट होगा, कोई ना कोई नंबर होगा. तो हम इसमें देंगे डॉट नॉट अलाउड. तो अब अगर मैं इसमें नाम देता हूं कोई भी, करेक्ट, अगर मैं इसमें कोई डॉट के साथ नाम देता हूं, चाहे वो डॉट किसी भी पोजीशन पे हो, कितने भी हो किसी भी पोजीशन पे हो, डॉट नहीं आना चाहिए. देखें ये क्या होगा कि नेम डॉट इंडेक्स ऑफ डॉट, ये तो है मेथड हमारा. ये मेथड क्या कर रहा है, इस नेम के अंदर डॉट का इंडेक्स नंबर दे रहा है. तो डॉट का इंडेक्स नंबर अगर माइनस वन आता है इसका मतलब डॉट नहीं है, अगर टू आ जाता है इसका मतलब टू पे डॉट है, थ्री आता है थ्री पे डॉट है. तो हम क्या करें, डॉट को अलाउ नहीं करना है. तो अगर डॉट की इंडेक्स माइनस वन है इसका मतलब डॉट मौजूद नहीं है उसमें, तो बोलते करें. एल्स फिर कोई भी इंडेक्स आ रहा होगा इसमें, माइनस वन तो नहीं आ रहा, माइनस वन इसमें आ रहा है ना. देखो अगर मैं इसको प्रिंट कराऊं, अभी मैं प्रिंट नहीं कर रहा ना, अगर मैं इसको प्रिंट कराऊं नेम डॉट इंडेक्स ऑफ डॉट, यहां पे इस तरह डॉट्स डॉट का इंडेक्स प्रिंट कर रहा हूं साथ साथ. तो अगर मैंने यहां नाम दिया अली डॉट शेफ, तो डॉट का इंडेक्स क्या है, थर्ड, और डॉट अलाउ नहीं. अगर मैंने नाम दिया अली है, इसमें डॉट नहीं है, तो डॉट का इंडेक्स क्या है, माइनस वन. अगर इंडेक्स माइनस वन है, कि नीचे मैंने चेक किया, अगर इसका इंडेक्स माइनस वन आ रहा है इसका मतलब करेक्ट है, मतलब माइनस वन का मतलब है नहीं है डॉट. इसी की तरह मैं आगे एंड का साइन देके नेम डॉट इंडेक्स ऑफ स्पेस भी दे दूं, अगर माइनस वन है. अब क्या होगा, डॉट भी नहीं आया और स्पेस भी नहीं आया, तब करेक्ट है, वरना यहां पे डॉट एंड स्पेस नॉट अलाउड. तो यहां पे डॉट दिया मैंने, डॉट एंड स्पेस नॉट अलाउड, स्पेस दिया मैंने स्पेस भी नहीं, दोनों दे दिए,
दोनों के बगैर दूंगा मैं, तब ये करेक्ट करेगी, ना डॉट आए ना स्पेस आए, ऐसे करके मतलब डॉट दे, हाँ तो ये बोलेंगे डॉट स्पेस डॉट दोनों बोल रहे हैं, हाँ अभी दोनों बोल रहे हैं। फिर क्या करेंगे, जो हमने पहले किया था यूजर पासवर्ड में कि ये नेम वाली इसके अंदर इफ में रखेंगे नेस्टेड करके, तो उसका एरर अलग हो जाएगा, इसका एरर अलग हो जाएगा। और तीसरा कोई लगाना है, कोई तीसरा भी एंड के बाद लगा सकते हैं, कि वो अंडरस्कोर भी अलाउ नहीं है, हैश भी अलाउ नहीं है, ठीक है। तो इंडेक्स ऑफ क्या करता है आपका, कि ये मदद देता है इंडेक्स मालूम करने के लिए कैरेक्टर्स का, तो इसको हम इस तरह भी यूज कर सकते हैं। ये तो है मेथड इंडेक्स ऑफ। इसका दूसरा मेथड आपके पास ये है, जो इससे मिलता जुलता मेथड है, ये साथ साथ बता दूंगा आपको। एस डॉट लास्ट इंडेक्स ऑफ, पहले था इंडेक्स ऑफ, अब है लास्ट इंडेक्स ऑफ। ये राइट से बताता है, आखिर से बताता है कि ये आपका कैरेक्टर आखिर से किस में आ रहा है। इसमें मैंने ए दिया और उसको प्रिंट करवाता हूं, देखिए इसका ये इंडेक्स बताएगा 6, ए 6 पे आ रहा है, काउंट कर ले, 0 से काउंट करेंगे 6 पे आ रहा है। हाँ ये स्टार्ट पर इंडेक्स तो इसका 0 से स्टार्ट होगा, लेकिन चेकिंग ये अभी राइट से करेगा, चेक राइट से ढूंढेगा राइट से। और अगर इसमें मैं लिख देता हूँ पी, पी ए की जो भी पी है उसका इंडेक्स बता देगा राइट से करके, पी आई 0 पर है। के तो ये बस फर्क ये अभी राइट से ढूंढेगा, वो लेफ्ट से ढूंढता है, सही है। तो ये दो तरीके हैं इंडेक्सेस चेक करने के लिए। अब इसमें इंडेक्सेस जो है ना, ये एक वक्त में एक अभी ढूंढ सकते हैं मेथड्स के, आगे जाके लूप्स के थ्रू हम ढूंढेंगे कि सबका इंडेक्स ऐसे पता चल सकता है, सही। अब आपके पास इसमें आज काफी इंडेक्स ऑफ प्रैक्टिस अच्छे से करनी है हमें। अब हमें इस पर प्रैक्टिस क्या करनी है, आपका टास्क ये है कि यूजर जो है आपको कोई भी चीज एंटर करे, कोई कंट्री का नेम, कोई नेम, कोई भी चीज, ठीक है, लिख दे एंटर टेक्स्ट। आपको ये बताना है कि उसके अंदर कोई भी वॉवल नहीं होना चाहिए, ए ई आई ओ यू, वॉवल 5 होते हैं ना, भले स्मॉल हो भले कैपिटल, वॉवल नहीं होना चाहिए। वॉवल नहीं है तो आपका टेक्स्ट एक्सेप्ट है, वॉवल है तो आपको कह देगा भाई वॉवल नॉट अलाउड, इतना करना है बस, ठीक है। अब आपके पास 2 दिन है, तो मैं आपको एक टास्क और दे रहा हूं उसके अलावा। ये तो हो गया आपका टास्क, ये तो आप भी यहां पे कर लोगे इजीली, इंशाल्लाह यहीं पर ही हो जाएगा 1 घंटे में आपसे, सही है। इसके बाद जो आपका टास्क है ना, वो ये है, देखें मैथमेटिक्स में एक सीरीज होती है, फिबोनाची सीरीज जिसे कहते हैं, फिबोनाची सीरीज, फिबोनाची सीरीज, ठीक है। ये सीरीज क्या होती है, इसके 2 नंबर होते हैं 0 और 1, ये फिक्स है। इसका इसके बाद जो नंबर होता है ना, वो इन 2 को प्लस करके बनता है, 1 और 0 को प्लस करेंगे तो 1 बनेगा। अगर 2 नहीं हो तो 1 बनेगा, देखें हो सकता है यही बता रही होगी कि 2 नंबर मिला है मैंने, 1 बन गया। अब ये आखिर के 2 मिलाऊंगा तो क्या बनेगा, 1 + 1 = 2। अब आखिर के 2 मिला के 3, 2 और 1 = 3 हो गया ना। अब आखिर को 2 मिलाएंगे तो 5, 3 + 2 फिर 8, इसी तरह ये चलती जाएगी 13, 21, इसके बाद आपके पास 34, ठीक है। तो इस तरह ये सीरीज चल रही है आखिर के 2 नंबर्स मिला के। हमें क्या करना है, ये कितने एलिमेंट होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एलिमेंट है। आपको 25 एलिमेंट्स इसके प्रिंट करा लूप्स के जरिए, ये खुद ही प्लस करेगा लूप्स के जरिए, ठीक है। वैसे टास्क में ये देता हूँ कि जो यूजर देना नंबर उतने एलिमेंट देने, अगर यूजर दे 5 तो 5 एलिमेंट करवाना,
यूजर ने 25 तो 25 एलिमेंट करना है। आप पहले 25 करके देख लें, एक वो हो गया तो उसमें यूजर का इनपुट लेना मुश्किल नहीं है, ठीक है। हाँ देखें, इसके दो नंबर तो आपके पास फिक्स होंगे, 0 और 1। इसके बाद जो नंबर बनेगा वो बनेगा दो को मिला के 1, अब बनेगा लास्ट दो को मिला के 2, अब बनेगा इन दो लास्ट को। इस तरह ये सीरीज चलती रहती है। अब आपने ये करना है कि अगर मैं आपको कहता हूं 25, तो ये कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 5। इस तरह 25 नंबर्स आपको प्रिंट कराने कितने बनते, लूप के जरिए हो जाएगा, सही है। फॉर में भी हो जाएगा, वाइल में भी हो जाएगा, दोनों में हो सकता है। अभी का टास्क आपका वो वाला है, बॉबल वाला, और ये वाला आपको फिर मंडे तक चेक कराना है। हाँ देखा है।